कुछ साथी, मैं हमारे मनमोहन जो अभी वर्तमान में इंग्लैंड में है, हमारे साथी मणि सागर जो भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर है, एक हमारे साथी एडवोकेट राजेश कुमार जो अभी यहाँ पर नहीं है, हम चार साथी और एक हमारे प्रोफेसर रतनलाल सर मिलकर हमने आंदोलन शुरू किया था। तब उसमें हमारे सहयोग किया था हमारे एक बड़े अच्छा लगता है कि जब हम आंदोलन शुरू करते हैं उसके हमारे शुरुआत के जो अब तक के वेल विशर अगर उनके द्वारा अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रोफेसर विवेक कुमार सर का। विवेक कुमार सर ने जिस टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर रहे थे सर ने तब हमें पहचाना और तब से लेकर अब तक हमारे सर के ऊपर हमें सर ने हमेशा हाथ रखा और जो सर का सहयोग रहा उसकी वजह से शायद आप इस लायक कि हमने अपना आज बात ये 12वां साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, हमने 12वें साल की ओर सफर सोचे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रोफेसर सुकुमार सर का जो हमारा उनका हमेशा मार्गदर्शन करा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी टीम के बाकी साथी जो आज यहाँ पर नहीं है। मैं धन्यवाद जैसे हमारे साथी जो सूरज हैं, राहुल कटारिया हैं और दूसरे साथी लखन दीपक और हमारे अन्य युवा साथी, और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा हमारे जो साथ में महिला साथियों ने काम किया है, रजनी है, टीना है, उसके अलावा और भी हमारे साथी हैं वो समय पर जो एक सहयोग करते रहे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाने का काम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, यूथ फॉर सोशल जस्टिस एक बाबा साहब को मिशन को लेकर चल रहा है। हम हमारी कोशिश है कि जो महापुरुषों के जो विचार उसको आगे ले जाने का काम करते हैं। हम शिक्षा हम विद्यार्थी हैं और जब हमने आंदोलन शुरू किया था सभी विद्यार्थी थे और विद्या के क्षेत्र में हम काम उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा शिक्षा के ऊपर हमारा काम है। तो मैं दो तीन बात कहूँगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो संगठित बनो संघर्ष करो, लेकिन क्या वो हमारा जो समाज है क्या वो शिक्षा को वास्तव में ग्रहण कर रहा है, नहीं ग्रहण कर रहा है, क्योंकि जो शिक्षा इंसान के व्यवहार को परिवर्तित करती है और जो अम्बेडकरवादी शिक्षा है वो सामाजिक व्यवहार को परिवर्तित करती है। लेकिन क्या है कि हम वास्तव में अम्बेडकरवादी शिक्षा को ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो उसी अम्बेडकरवादी शिक्षा को देने का काम और समाज में वही शिक्षा को मिशन के द्वारा फैलाने का काम यूथ फॉर सोशल जस्टिस करता है। समाज की लड़ाई हम दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जो हमें एक सहयोग मिलता रहा है उसी सहयोग के द्वारा हमारी कोशिश है कि जब तक हम इस लड़ाई को लेकर चलते रहेंगे इसे लेकर आगे जाते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आयोजक का धन्यवाद और मैं धन्यवाद आगे।